Hey guys, I hope that you are doing fine in this Diwali. और बहुत टाइम हो गया हम लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं. और एक्चुअली अभी ऐसा है कि दिवाली में हमने फैमिली ट्रिप प्लान किए. सो हम जाने वाले हैं मथुरा, वृंदावन, मतलब वो सारी धार्मिक प्लेस है, पर हम उसमें मजा रहने वाले हैं. हम सब कजिन्स साथ में होंगे, शायद 10-12 लोग हैं. और अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत लेट हो चुका है. एक्चुअली 8 बजे निकल गए, 7:45 है. और हम राजकोट पहुँचेंगे 2 बजे, 1-2 बजे पहुँचेंगे. अभी आधे घंटे में निकलते हैं तो, और वहाँ से कल सुबह ट्रेन है. सो अभी डिनर वहाँ पर मिलते हैं. चलिए बाय. अभी यहाँ से राजकोट कार में जाने वाले हैं, पर यह सामान बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे आगे दो, पीछे ये वाला है, उसमें साड़ियाँ हैं. और 25 जितनी साड़ी है वो कुछ चुंदड़ी मनोरथ के लिए होता है, पता नहीं मेरे को, बहुत कुछ आइडिया नहीं. और यहाँ पे भी है सामान, यहाँ पे नीचे भी है. पता नहीं अभी 4 लोग कैसे जाएंगे, पर चलिए निकलते हैं. Hey guys, it's the next day और 8:45 हुआ है अभी. कल रात को पहुंच गए थे, शायद 2 बजे पहुंचे थे, पर यार इतना थक गया था ना, व्लॉग शूट नहीं किया. और अभी भी एक प्रॉब्लम बड़ी है कि हमारी टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में. अभी देखते हैं, कंफर्म अभी तक तो नहीं हुई है, पर कुछ सेटिंग करना पड़ेगा. और ट्रैफिक भी बहुत है, उसके साथ सामान भी इतना ज्यादा है ना यार. देखिए ये सब सामान है. और यहाँ पे हमारी आदमी तैयार है, अर्शिल शिवानी, बाकी बा मथुरा पहुंच गए जंक्शन में. अभी यहाँ से सामान निकाल के टाटा मैजिक में डालने हैं वहां. उसके बाद हम गुजराती समाज की कुछ है वहां पे जाएंगे सही के लिए. तो चलिए अभी पहले सामान रख देते हैं. सो रूम है कवर्ड्स, यहाँ पे कुछ सामान भी मिल गया. एंड हियर इज द वॉशरूम. अच्छा चलेगा, कुछ और कलर भी है इसमें. वाह, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मथुरा. और बहुत अच्छे से सब ठीक हो गया, सब सेटल हो गए और रूम भी अच्छे मिल गए. ये जगह भी बहुत अच्छी है. और उसके अलावा आज प्रोग्राम करना है, उसका नाम है चुंदड़ी मनोरथ. और उसमें कुछ अलग है, मैं तो पहली बार हूँ और बहुत मजा आने वाला है, कुछ अलग ही प्रोग्राम है. सो डे 1 चालू हुए थे यहाँ से. चलिए लेट्स बिगिन. ये है विश्राम घाट और यहाँ पे ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है यमुना मैया. और यहाँ पे चुंदड़ी मनोरथ सब होता है और हम भी वही करने वाले हैं. एक बार सब यहाँ पे सामग्री तैयार हो गया, उसके बाद क्या चुंदड़ी मनोरथ स्टार्ट हो गया. और ये दोनों के ऊपर जो है वो 21 साड़ी है इसमें. अभी इसका रोल को पूरा यमुना नदी में पीछे डालेंगे, बोर्ड से शायद ले जाएंगे, अभी देखते हैं कैसे करते हैं. अभी स्टार्ट हो गया. यहाँ पे विश्राम घाट है, यहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन होते और यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि कंस को मार के उनका वध करके यहाँ पे हम लोगों ने विश्राम किया था, तो उस वजह से इसका नाम विश्राम घाट पड़ गया.
और पीछे जो आप देख रहे हो यमुना नदी है। और चाचा आगे शिफ्ट हो गया। तो गाइस अभी यमुना के किनारे पे बैठ चुके और पूजा चल रही है पीछे, और उसके बाद दूध चढ़ेगा और फिर नाव में जाएंगे। और नाव का कंसेप्ट ऐसा है कि यमुना जी को कम से कम साड़ी पहनानी है, तो चार पांच बोट शायद से जाएगी और लास्ट तक जाएगी और वहां तक साड़ी पहनाएगी। कुछ नया इस बार से देखते हैं कैसा होता है और मजे करते हैं। चलिए गणपति में चढ़ा मारो, गणपति वस्त्र है ना, वस्त्र पहन, वस्त्र लो आते वस्त्रों पर वस्त्र आते अलंकार आते और सब सूत सम और यामी भगवते महागणाद मते नमः। सुरा सुर सो पूजे का सरप दोषिया देवद्रति अबे यहाँ से पूरी साड़ी जा रही है रोबोट ट्रक। अभी यमुना जी को साड़ी पहनाने का जो फंक्शन था चुंदड़ी उन्होंने तो अबाउट टू कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे जो साड़ी आ गई उसकी एक साथ समेट लिए, लास्ट के कुछ पूजा वूजा है वो लास्ट का खत्म करके यहाँ से ये साड़ियाँ लेके अपने को निकल जाएगी। आगे का प्रोग्राम फिक्स नहीं है, देखते क्या होता है। और उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि को, जो राधा कृष्ण पार्क है, कुछ ऐसी है मथुरा की नगरी। तो चलिए चलते, शायद पता नहीं वहाँ पे फोन अलाउड होगा या नहीं, देख के पता नहीं। तो चलिए श्री गांधी आश्रम खादी बंदा, यहाँ पे खादी के कपड़े मिलेंगे। और दीदी कुछ ले रही है दीदी के लिए। Hey guys, so, आज के दिन में हमने जन्मभूमि किया और उसके बाद जन्मभूमि के दर्शन किए जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और अभी बैक टू होटल में गए। बहुत अच्छा गया आज का दिन, बहुत मजा आया। और अभी प्लान ऐसा है कि कल सुबह को यमुना मैया की आरती आज का दिन यहीं पे एंड करता हूँ। और पटाखे फूट रहे सब जगह पर, आज दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड लेट्स एंड द व्लॉग ऑफ डे ऑन दी।